दोस्तों मैं आज क्रिकेट का ही बारे में बात करूंगा। जो कि आप भी क्रिकेट का फैंस हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नया हो तो। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आज बात करूंगा जो कि आप लोग भी सुनकर हैरान रहोगे। जी हाँ मेरे दोस्त, जो कि आज से पहले यह मुकाबला और सुनकर आप भी हैरान रहोगे, जो कि टीम इंडिया के नए विकेट कीपर जो कि जितेश शर्मा को तो आप लोग अच्छे ही तरह से जानते होंगे। जी हमारे दोस्त, उसी के बारे में जो कि उनकी शादी हो गई है, जो कि उनकी शादी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो कि आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो में। जी हमारे दोस्त, मैं बात करूंगा टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जो कि ओपनर जिंदगी की नई पारी शुरू कर दी है। जो कि जितेश शर्मा के गर्लफ्रेंड सकला जो कि मुकेश्वर के संग सगाई कर ली। दोनों के लंबे समय के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। आईपीएल में पंजाब किंग्स के तरफ से या पीवीकेएस के तरफ से वहां की ओर से खेलने वाले 30 वर्षीय जितेश शर्मा को उनके क्रिकेटर्स से बधाइयां मिल रही है। वही बात करेंगे भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जितेश शर्मा के उनकी मंगेतर की सबसे अंदाज में मुबारक दी है, जो कि अलग मुबारक दी है। जो कि वही हम बात करेंगे जितेश शर्मा की पोस्ट पर सूर्य कुमार यादव ने क्या कमेंट कर दिया, जो कि आप लोग भी सुनकर हैरान रहोगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत बधाई भाऊजी, भाव और वाहिनी को, जो कि आप भी सुनकर हैरान रहोगे। जो कि बता दें कि मराठी में भाव को भाई और बहन को भाभी बोला जाता है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के CSK के कप्तान बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने लिखा, बधाई हो, क्लब में स्वागत है। गायकवाड़ इसी साल शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा दोनों को शुभकामनाएं। तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने कमेंट किया, जो कि सारे प्लेयर्स जो कि तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो कि आप लोग भी सुनकर हैरान रहोगे। जो कि कौन है सलाका मुकेश्वर, जी आपको हम बताते हैं। जो कि लिक्विड के अनुसार देखा जाए तो सकला मुकेश्वर प्रोफेसर राम मेघे का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा रेलवे से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग से BE किया है। जो कि उन्होंने हंसराव के चौहान कॉलेज के ऑफ इंजीनियरिंग और BCCI के BLSSI डिजाइन में MTech किया है। पुणे की रहने वाली सलाका ने नागपुर में ग्लोबल लॉजिक कंपनी में सीनियर टेस्ट इंजीनियर है के पद पर हैं। उन्होंने एडवेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया है। जो कि आपको भी हम बता देते हैं अब जितेश शर्मा के बारे में। जितेश शर्मा ने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें 147.50 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 100 रन बनाए हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। वह अफगानिस्तान सीरीज में मिले मौकों का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे। जितेश शर्मा का IPL 2024 सीजन में भी कुछ खास नहीं रहा, जिसमें उन्होंने 14 मैचों में 131 का स्ट्राइक रेट रहा, जिसमें 187 रन टोटल बनाए हैं। क्या लगता है ये उनकी शादी में पूरा तरह तरह के प्लेयर्स कमेंट कर रहे हैं, जो कि जितेश शर्मा की शादी हो गई है, और जो कि यह कमेंट पूरी तरह से पूरी प्लेयर्स या पूरी टीम इंडिया प्लेयर्स भी कमेंट तरह तरह के कर रहे हैं, जो कि आप लोग भी सुना बधाई दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी तरह का मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे।